आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लगातार शराब के खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इसी के चलते वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में बागली पुलिस द्वारा अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही करते हुए घर में रखी हुई अवैध शराब जब्त की गई है। बागली SDOP सृष्टि भार्गव के निर्देशन एवं थाना प्रभारी अजय गुर्जर के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक उपेंद्र नहार, महेश सिसोदिया, सुनील डावर द्वारा मुखबिर से मिली सूचना के अनुसार बागली के समीप स्थित ग्राम बरजही में आरोपी के घर में रखी हुई अवैध शराब को जब्त की गई। उपेंद्र नहार के अनुसार आरोपी मोहन पिता विश्राम भिलाला के खिलाफ कार्यवाही करते हुए देशी एवं विदेशी शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 25 से 30 हजार रुपए बताई जा रही है। आरोपी द्वारा अवैध रूप से अपने घर में शराब का संग्रह करके रखा हुआ था। पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। जैसे कि अभी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हुई है, कल ही लागू हुई है, तो उसके पालन में पूरे देवास जिले में आउटर में सभी जगह सघन चेकिंग लगा रखी है। वो चेकिंग के दौरान जितने भी अवैध शराब का परिवहन हो रहा है उसको लेकर वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश है कि कार्रवाई की जाए। उसके तारतम्य में श्रीमान SDOP महोदय बागली एवं थाना प्रभारी महोदय बागली के निर्देशन में कल एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बरझाई में एक व्यक्ति अपने घर में अवैध रूप से अत्यधिक मात्रा में शराब रखा हुआ है। तो मौके पर पहुंचकर मनोहर पिता विश्राम भिलाला के घर पर अवैध रूप से कुल 55 लीटर देसी विदेशी शराब जब्त हुई है, जिसे विधिवत जब्त किया गया है एवं उससे पूछताछ की जा रही है कि कहां से लाया है। कीमत टोटल अभी 25 से 30 हजार रुपए की कीमत है उन शराब की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।